यहाँ पर इस क्लास में, ये सेक्शन 5 में हम द यूज़ ऑफ दी पढ़ेंगे कि दी कहाँ पर यूज़ होता है। तो सिंपली देखें, द यूनिक थिंग्स, फॉर एग्जांपल द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द सी, ये सारी यूनिक यूनिक थिंग्स हैं। इनके साथ जो है हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इनसे पहले ए सन नहीं बोलते, ए मून नहीं बोलते, दी सन, दी मून बोला जाता है। पर्टिकुलर पर्सन जो थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन से मुराद फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इन ब्लू, दी हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी हम उस घर की बात करें जो स्ट्रीट के एंड में है। इसी तरह से पीपल और थिंग्स मेंशन्ड फॉर द सेकेंड टाइम, अगर हमारे कोई भी पीपल हों या थिंग्स हों, अगर वो हमारे किसी पैराग्राफ में सेकेंड टाइम रिपीट हो या हमारे सेंटेंसेस में सेकेंड टाइम रिपीट हो, तो हम दी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई सॉ एन एलिफेंट, देखिए हमने एन का इस्तेमाल किया, आई सॉ एन एलिफेंट। अगर हम एलिफेंट का दोबारा जिक्र करेंगे तो दी का इस्तेमाल करेंगे। द एलिफेंट वॉज इन द जू, द कार हिट ए ट्री, द ट्री फेल ऑन देम, कार ने ट्री को हिट किया और वो उनके ऊपर गिर गई। पर्सन थिंग्स अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जो फ्रेजेज हमारे हैं कॉन्टेस्ट के, इन द बाथरूम, ऑन द टेबल, इन द गार्डन, हमने ये नहीं बोला इन ए बाथरूम, ऑन ए टेबल और इन ए गार्डन, ये नहीं बोला हमने। क्यों? इसलिए कॉन्टेस्ट है और ये हमारा सिंपल फ्रेज है, तो इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, वो नाउन जो सिंगुलर होते हैं और लेकिन वो एक क्लास को, एक ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उनसे पहले दी आता है। दी कंप्यूटर इज़ ए यूजफुल मशीन, हमने एक अपने ही कंप्यूटर की बात नहीं की बल्कि जनरल बात की, सारे कंप्यूटर्स की बात की। दी रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तमाम रोज की बात की। द नेम्स ऑफ रिवर्स, गर्ल्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस एटसेट्रा, देखें द नाइल, द स्विस कैनल, द पैसिफिक ओशन, द एवरेस्ट, द पर्शियन गल्फ एटसेट्रा, द हिमालयास, द ब्लैक सी, द एंडस। ये जब आप आगे स्टडी करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये किस किस जगह के ऊपर जो है हमें दाव पुट करना है और दाव निकालना है। द नेम्स ऑफ नेशनैलिटीज, जैसे पाकिस्तानी, कम्युनिटीज, जो भी आपकी कम्युनिटी है, इवेंट्स, जैसे बिग बैंग एक इवेंट था, इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, यानी दी मुस्लिम लीग, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटीज की बात करें तो मुस्लिम्स आ गए यहाँ पर, तो उनसे पहले हमने दी का इस्तेमाल किया। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, होली बुक्स, मूवीज, प्लेस, होटेल्स बोल रहा था मैं, होटेल्स एटसेट्रा, जी द डॉन, द टाइम्स, द कुरान, द शेरिटन होटल, और सिंपल, ये एक आदत सी पड़ी हुई है, लेकिन ये होता क्या है ये भी आपने पढ़ा था। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, द लास्ट एटसेट्रा, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल द गिटार, द पियानो, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, बिफोर डूबल कॉम्परेटिव, द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न, द हायर यू गो, द कूलर इट इज, हम यहाँ पर दी का इस्तेमाल कर रहे हैं डूबल कॉम्परेटिव। बिफोर नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप्स, ट्रेन्स के नामों से पहले, शिप के नामों से पहले, टाइटेनिक है तो ए टाइटेनिक नहीं होगा, दी टाइटेनिक, तेजगाम है तो ए तेजगाम नहीं होगा, दी तेजगाम होगा। ये ट्रेन का नाम है, ये शिप का नाम है। विद सम एडजेक्टिव्स टू मेक नाउन्स यूज्ड इन द प्लूरल, देखें इसमें द रिच, द इंजर्ड, द यंग, हमने एक रिच आदमी की नहीं बल्कि तमाम रिच की बात की और इसको नाम बनाया। बिफोर डायरेक्शंस, इन द ईस्ट टू द वेस्ट, ईस्ट से पहले दी, वेस्ट, वेस्ट से पहले दी।
ये हमारी सॉल्व एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है बुक में, तो ये आप देखिएगा एंड देन यू विल स्टडी इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग कि कहाँ कहाँ हम दी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इंडस से पहले दी आ गया, लॉन्गेस्ट कॉम्पिटेटिव से पहले दी आ गया, हमारे कॉन्सनेंट नाउन जो है लैंग्वेज इससे पहले ए आया. वी नीड टू थिंग्स, एनी टीचर हो सकते हैं गुड टीचर, एक गुड टीचर एंड द वे. ये जो कैपिटल है, कैपिटल में यहाँ एल मिसिंग है, ठीक है, डी का ये टी कैपिटल है. द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद. इस तरह से आपने इसको देख लेना है और इसको प्रैक्टिस कर लेना है. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच.